वड्डी खबर मोहाली तो आ रही है। मोहाली के फेज 11 के जंगली इलाके दे विच भयानक अग लग गई है ते एक कार भी इस अग की चपेट में आ गई है। तो दस दिए कि फायर ब्रिगेड दी 10 गड्डियां मौके पर मौजूद ने ते डर है कि रिहायशी इलाकों के उत्ते भी खतरा मंडरा रहा है। मोहाली के जंगली इलाके दे विच फेज 11 का यह जंगली इलाका है, तुम तस्वीर देख सकते हो मोहाली दी। मोहाली के फेज 11 के जंगली इलाके दे विच भयानक अग लग गई है ते एक कार भी इस अग की चपेट में आ चुकी है। तो डर यह है कि रिहायशी इलाके भी इस दे विच आ ना जान। लगातार इस अग नूं बुझाउण की कोशिशां हो रही ने। फायर ब्रिगेड दी 10 गड्डियां मौके पर मौजूद ने। मोहाली दीआं तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो जिथे कि फेज 11 के जंगली इलाके दे विच भयानक अग लग गई है। साढ़े पत्रकार रविंदर मीत साडे नाल सीधे मोहाली तो जुड़ रहे हैं। रविंदर, जानना चाहवांगे की कुछ अपडेट मिल पा रही है इस अग के बारे में। बिल्कुल बलविंदर, जो अग ते काबू पाउण दी पूरी कोशिश की जा रही है। करीब 1 बजे जो 11 फेस जो दे जंगलों के अग लगी सी, उस तो बाद 48 सैक्टर ते 49 सैक्टर के जंगलों के भी अग पहुँच गई। लगातार इस अग नूं बुझाउण की कोशिश की जा रही है। करीब 10 जो फायर ब्रिगेड इत्थे लगिया हुई हैं ते लगातार कोशिश की जा रही है कि इत्थों दी जो इत्थे अग लगी वह बुझा दी जाए। नाल ही मैं दिखाना चाहूँगा जो रिहायशी एरिया है जो इत्थे बिल्कुल नाल जिथे अग लगी है, तो उस एरिए नूं भी खतरा इत्थे बनया होया। लगातार फायर ब्रिगेड दी जो गड्डियां लगियां हुई हैं ते कोशिश की जा रही है कि जो इस अग ते काबू पा लिता जाए। ते रविंदर, जिहड़ा किन्ना क वड्डा इलाका है ते एक सुक्की हुई घाह इत्थे ज्यादा है जिस तरह नाल अग फैली हुई लग रही है। बिल्कुल, मैं दसना चाहूँगा कि पूरा जो सुखा जंगल है जिथे अग लगी, अग लगन के हालांकि कारण हाले तिकर पता नहीं लग पा रहे, लेकिन हाले जो इस अग लगन का कारण यही है, ज़्यादा अग लगन का कारण यही है क्योंकि इतने जो सुखा जंगल है बिल्कुल जो जिसके करके ये अग बहुत ज़्यादा फैल गई। तो अग फैलन के करके जो करीब 3 सैक्टर के अग फैल गई है तो जिदे करके जो फायर ब्रिगेड में भी काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि जंगल की अग नूं बुझाउणा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अग दे को जो काबू पाउण की पूरी कोशिश की जा रही है। रविंदर, किन्नी कोशिश की जा रही फायर ब्रिगेड की, किन्नी गड्डियां इत्थे ने ते किन्नी दूर इत्थों रिहायशी इलाका है? बिल्कुल, जे रिहायशी इलाके की गल करिए मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल नाल रिहायशी इलाका है जिथे अग लगी हुई है, बिल्कुल नाल रिहायशी इलाका है जिथे अग लगी। तो तुसीं देख सकते हो कि धुआं उत्थे तक पहुँच चुकिया, अग पूरे जंगलों के फैली हुई है, पूरा बहुत वड्डा एरिया जिथे जंगल ने इन्हां जंगलों के पूरी अग फैली हुई। तो रिहायशी इलाके दे विच तक जो ये अग पहुँच चुकी है ते लगातार जो 10 फायर ब्रिगेड दी गड्डियां लगिया हुई ने वो इस अग ते काबू पा रही हैं। लगातार मशक्कत की जा रही है क्योंकि अग जंगल दी होने करके बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पै रही है क्योंकि बहुत वड्डा एरिया, इस वड्डे एरिया दे विच 10 जो फायर ब्रिगेड दी गड्डियां भी घट पै रही क्योंकि अग बहुत ज़्यादा सी ते बुझाउण लई बहुत मुशक्कत करनी पई। तो करीब 1 बजे दे करीब ही ये जो अग फेस 11 दे कोलों लगी सी, उस तो बाद क्योंकि गर्मी बहुत सी ते हवा भी चल रही थी ते जिस करके पूरे जंगलों के अग फैल चुकी थी। रिहायशी इलाके के लोग बहुत डरे हुए सन क्योंकि अग बिल्कुल उन्होंने घर तक पहुंच गई थी। लेकिन रविंदर, कितना के इतने प्रबंध है फायर ब्रिगेड के जो है इस वे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रबंध पूरे किए गए फायर ब्रिगेड के। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने हाले भी फायर ब्रिगेड दी गड्डियां लगिया हुई ने जो कि अग बुझाउण दा हाले भी काम कर रही है क्योंकि अगर थोड़ी जी भी अग कितने भी बच जाती है तो वह भी दोबारा तो जो फैल सकती है। इस करके फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल ही अग नूं इस नूं बुझा दिता जाए। 10 फायर ब्रिगेड दी गड्डियां जो कि इत्थे लगिया हुई ने, फायरमैन इत्थे लगे हुए ने, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है तो अग बुझाउण दी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है क्योंकि यह पूरा सुखा एरिया था, इसे पहला क्यों नहीं सोचा गया, अग लगन तो बाद ही क्यों इस तरह की मशक्कत करनी पई, पहला ही क्यों नहीं इसका इंतजाम किया गया क्योंकि बहुत ही सुखा एरिया, इस दे विच कदे भी थोड़ी जी तीली नाल भी अग लग सकती सी। लेकिन कितने ना कितने प्रशासन का ढीला रवैया जरूर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अगर अग की गल करिए लगभग अग बुझा ली गई है तो काबू इस अग से पा लिया गया। रविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। तो कितना कितने जी अग इतने काफ़ी ज़्यादा लगी हुई नज़र आ रही है, तो इस बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है।